बलिया का वो नेता जिसने अपने व्यवहार, व्यक्तित्व और छात्र राजनीति से अखिलेश तक का दिल जीत लिया और अपने कामों से अखिलेश यादव का करीबी बन गया, जिसकी एक आवाज पर अखिलेश यादव दौड़े दौड़े बलिया चले। लेकिन आज वो छात्र नेता पंच तत्वों में विलीन हो गया। जिले के खेजुरी थाना क्षेत्र के खड़सरा चट्टी पर शनिवार की सुबह टेम्पू पलटने से समाजवादी छात्र सभा के पूर्व जिला अध्यक्ष सुनील यादव समेत 3 लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंचे लोगों ने घायलों को बाहर निकाला और गंभीर रूप से घायल सुनील को जिला अस्पताल पहुंचाया। लेकिन जिला अस्पताल में इलाज के दौरान सुनील यादव ने दम तोड़ दिया। वहीं घायलों का अभी इलाज चल रहा है। लोगों को जैसे इसकी सूचना मिली, उसके बाद पूरा जिला शोक की लहर में डूब गया। और जैसे इसकी सूचना जेडीयू के प्रदेश उपाध्यक्ष अवलेश कुमार सिंह को मिली, दौड़े दौड़े प्रदेश उपाध्यक्ष अवलेश कुमार सिंह सुनील के घर पहुंचे, जहां परिवार को सहानुभूति दिया और कहा कि मैं अखिलेश यादव जी से अभी बात करता हूं और परिवार को 20 लाख रुपए की आर्थिक मदद और एक सरकारी नौकरी दी जाए। इस दुख की घड़ी में कभी भी आपको हमारी जरूरत पड़े, रात के 12 बजे से या दिन के 12 बजे आप मुझे बस एक कॉल करिए, मैं आपकी सेवा में हाजिर रहूंगा। वहीं सुनील के परिवार के लोगों से जेडीयू नेता अवलेश कुमार सिंह ने बातचीत की। परिवार वालों का कहना है कि हमारे गांव में सुनील यादव के नाम पर एक गेट बने। छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष रहे सुनील यादव जी का निधन हुआ है, आप आए थे यहाँ पे शोक संवेदना व्यक्त करने, क्या कुछ कहना चाहेंगे उन परिवार से मिले उसके बाद? सुनील यादव जी के बेटे से मिला, उनके परिवार से मिला जी। यह बहुत ही दुखद घटना है, घटना तो हो चुकी है। तो उनके साथ जनता दल यूनाइटेड परिवार लोग आए थे पूछताछ करने के लिए, उनके साथ पूरा दुख में खड़ा है और उनके परिवार के लिए हर एक सहयोग करने के लिए हम लोग हमेशा तत्पर रहेंगे। और हम बात करते हैं अपने बिहार में, हमारे नेता का भी यूपी में दौरा होने वाला है तो उनको भी मैं ले आऊँगा उनके घर पर और उनके परिवार को सहयोग भी करेंगे। साथ साथ इस उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध करेंगे कि उनके परिवार में उनके बेटे को या बेटी को एक आदमी को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, क्योंकि वो सुनील अगर थे, उनका बेटा अभी कम एज का है, उनके घर में आमदनी नहीं है, तो एक तो सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए और दूसरा जो उस परिवार को कम से कम 20 लाख रुपया भी सरकार से मिलना चाहिए। इसके लिए हम लोग सरकार से निवेदन करेंगे और दिलवाने का प्रयास करेंगे। अभी ग्रामीण लोग कह रहे थे कि जब वो 13 ही बीत जाएगी उसके बाद से एक प्लानिंग चल रही है कि वो उनके नाम पर एक गेट बनाया जाएगा, तो उसमें कितना सहयोग कर पाएंगे अवलेश जी? मैं उस गेट जो बनेगा तो उस गांव वाले जो भी व्यवस्था करेंगे और जो उसमें जो भी कमी होगी मैं अपने तरफ से सहयोग करके गेट बनवा दिया जाएगा। जेडीयू नेता ने कहा कि मैं हर संभव प्रयास करने को राजी हूं जो आप लोग चाहते हैं और मैं जल्द ही अखिलेश यादव से इस विषय पर बात करूंगा कि वो बलिया आए। वहीं सूत्रों के अनुसार, प्रदेश न्यूज को मिली जानकारी के अनुसार, 13 अक्टूबर से पहले अखिलेश यादव बलिया कभी भी आ सकते हैं और अपने मित्र की दुख की घड़ी में परिवार के साथ शामिल हो सकते हैं। बहरहाल आप क्या सोचते हैं कि क्या अखिलेश यादव को अपने करीबी नेता और दोस्त के परिवार के दुख में शामिल होना चाहिए? आप हमें नीचे लिख के जरूर बताएं और साथ ही में अगर अभी तक हमें आपने डिजिटली प्लेटफॉर्म प्रदेश न्यूज को फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है फटाफट फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब करें ताकि हमारी ऐसी ही खबरें आप तक पहुँचे सबसे पहले।